वेलकम। आज का ये वीडियो क्लास एचसीएफ और एलसीएम का क्लास है। अब तक एक एपिसोड हुआ है और आज ये दूसरा हो रहा है। मैंने विस्तार से पहले एपिसोड में बताया था एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसे डिफाइन किया था और निकालने के तरीके की बात की थी, जिसमें पेन का कम से कम ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इन चैप्टर्स की जो बाउंड्री है, कुल मिलाकर एचसीएफ में टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और एलसीएम में टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो फोर टाइप्स हैं, ये टोटल आने वाले क्वेश्चंस का 90% है। मैंने समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके अधिकतर क्वेश्चन या तो एचसीएफ का है, नहीं तो एलसीएम का है। जो एचसीएफ का है उसमें टू टाइप्स हैं, जो एलसीएम का है उसमें टू टाइप्स हैं। अभी एचसीएफ की चर्चा हो रही है तो एलसीएम की चर्चा अभी नहीं होगी। आज का एपिसोड एचसीएफ को समर्पित है। टू टाइप्स के क्वेश्चन एचसीएफ में होते हैं, या तो कोई इधर है, नहीं तो कोई उधर है। ये दोनों टाइप्स क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि रट लीजिए, नहीं। मैंने पहले ही एपिसोड में कहा था एचसीएफ और एलसीएम का डेफिनेशन ही सब कुछ है। अगर डेफिनेशन समझ में आया तो समझिए क्वेश्चन भी समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से डिफाइन करता हूं। गिवन सेट ऑफ नंबर्स यहां है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ईच द गिवन नंबर्स। गिवन सेट ऑफ नंबर्स यहां है, द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide each of the given numbers is said to be the HCF of given numbers. While given set of numbers here, LCM, upar hai. The least number which is divisible by each of the given numbers is said to be LCM. इसी definition के आईने में आपको इस chapter को देखना है। LCM की चर्चा तो LCM वाले section में करेंगे, फिलहाल एचसीएफ की बात हो रही है। अब सुनिए, वो नंबर जो काट दे उसे एचसीएफ कहते हैं, वो तो ठीक है, ना काट पाए तो कुछ बचेगा। बचने पर क्या होगा और टाइप्स क्या हैं? आइए हम लोग क्वेश्चन के संदर्भ में बात करते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वही आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन है। आई पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 38, 45, 52 एंड लीव 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर्स। सुनिए, ये है 38, ये है 45 और ये है 52। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हैं। हमें वो नंबर निकालना है जो इन सबको काट दे, पूरी तरह काट दे। अगर ऐसा होता तो बोलते यस, एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, और वो सबसे बड़ी संख्या हम निकाल लेते। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज सेड टू बी एचसीएफ, और हम निकाल लेते। तो ये नंबर इसको काट देता है, तो ठीक है, काट देता है। फिर बोलेंगे नहीं, ये नंबर इसको काटता नहीं है, क्या? तो टू बच जाता है। क्या बोले? टू बच जाता है, हटाइए टू को, हटाइए। क्यों आ गया टू, हटाइए। हाँ, अब तो कुछ नहीं बचेगा ना, अब तो ये नंबर इसको काट देगा ना। ये सबसे बड़ा नंबर है ना, जो इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा। अच्छा ठीक है, इससे जब 45 को डिवाइड कर देते हैं तो उसको काट देता है, बोले तब तो कोई बात नहीं। नहीं, काट नहीं पाता, क्या? तो 3 बच जाता है एज रिमाइंडर। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो इसे तो काट देता है ना, तो हाँ 45 को जब डिवाइड करते हैं इससे, तो उसको डिवाइड करने पर काट नहीं पाता, 3 रिमाइंडर बचता है, हटा देते हैं 3, अब इसको काट देता है ना। और ये नंबर इसको भी काट नहीं पाता, क्या? तो 4 रिमाइंडर बचता है, हटाइए 4, 48। क्वेश्चन क्या हो गया? ये वो नंबर है
जो इन सबों को, जो इन सबों को पूरी 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 तरह डिवाइड कर सकता है, दैट इज सेट टू बी एसियर। क्वेश्चन क्या हो गया सुनिए, ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करे तो काट नहीं पाता, तो क्या होता है, तो कुछ रिमाइंडर बचता है, हटाइए रिमाइंडर, हटाइए हटाइए, हाँ अब जो बचा उसको तो काट देगा ना। तो हमें निकालना है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ईच ऑफ दीज नंबर्स, इनका एससीएफ निकालना है। यहां तक तो समझ में आ गया, ये एक पार्ट हुआ। एससीएफ कैसे निकालें, एससीएफ निकालने के दो तरीकों की चर्चा हुई थी। देखिए मैं ऐसा कहता हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस इज सिक्स विच इज कंटेन इन इच, सो सिक्स इज द आंसर। अगर मैं ऐसे बोलूं तो आंसर इज सिक्स, बोलूं तो नहीं समझे। एससीएफ कैसे निकालते हैं, इसके दोनों मेथड की चर्चा विस्तार से पहले वाले में हुई थी, आप उसे एक बार देख लेंगे। डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया था, जब तक आप डेफिनेशन को ठीक से समझते नहीं तब तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उसमें वैल्यू को रख दिए और हो गया, इसमें सब कुछ दिखता है, तो देखेंगे समझेंगे तो न दिखेगा, इसलिए डेफिनेशन जरूरी है। पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें दो मेथड की चर्चा थी, मैंने कहा डिफरेंस क्या है, सिक्स, और सिक्स हर जगह मौजूद है, तो सबसे बड़ा नंबर जो हर जगह मौजूद है वो सिक्स है, दैट इज सेट टू बी एससीएफ। समझ में आया, ये नंबर अगर इन सबको काटता है तो इनके डिफरेंसेस को भी काटेगा, मैंने चर्चा की थी, इसका डिफरेंस हुआ सिक्स, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और सिक्स 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 में क्या है, टू एंड थ्री, वो सबों को काटता है, इसलिए सिक्स को भी काटता है, सो सिक्स इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था और फर्स्ट टाइप भी था, फर्स्ट टाइप भी था। सेकंड क्वेश्चन पर पढ़ता हूं, वो भी फर्स्ट टाइप ही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410, 751 and 1030 so as to leave remainder 7 in each case. 410, okay. 751, okay. 1030, okay. वो नंबर निकालिए निकालिए निकालिए, सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको पूरी पूरी तरह काट दे काट दे काट दे, तो निकाल देते हैं सिर्फ, नहीं 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 काटता नहीं काटता नहीं, सेवन बच जाए सेवन बच जाए सेवन बच जाए तो ठीक है, इसको काट देगा, यहां भी सेवन बच जाए सेवन बच जाए सेवन बच जाए सेवन बच जाए तो ठीक है, इसको भी काट देगा, यहां भी सेवन बच जाए सेवन बच जाए सेवन बच जाए इसको भी काट देगा। पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर है, अगर सबसे बड़ा नंबर जो कि निकालना है जिसे कि हम एससीएफ कहते हैं उससे डिवाइड किया जाए इन नंबर्स को, टू थ्री फोर नंबर्स को पूरी तरह काट दे तो एससीएफ है, कुछ बच जाए तो हटा दीजिए, चूंकि नंबर कई हैं तो रिमाइंडर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग था, टू थ्री फोर रिमाइंडर बचते थे, सेकंड क्वेश्चन में सेवन इन ईच केस है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे टू 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 बचे, टू थ्री फोर बचे, सेवन 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 बचे, जब ढेर सारे रिमाइंडर हैं तो रिमाइंडर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी रिमाइंडर है उन्हें हटा दीजिए, पहले जिसको नहीं काटता था, पहले कुछ रिमाइंडर बचता था, हटा देने के बाद अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरी पूरी तरह काट देगा, वो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसी को तो एससीएफ कहते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या, द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide exactly each of the given numbers is said to be SF of given numbers. तो हमें SF निकालना है, मैं बार बार कह रहा हूं SF तुरंत निकाल दूंगा, कैसे वो अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें आधे घंटे तक खूब बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है जिससे आपको SF LCM की दुनिया समझ में आती है, इसीलिए फर्स्ट एपिसोड आप देखेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, तो इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसको डबल कर देते हैं और फिर डिफरेंस ले लेते हैं,
ये उसमें ही चर्चा थी कि एक तरीका ये था कि किसी एक नंबर को फैक्टराइज करके देख लें कि वो सबसे बड़ा नंबर जो हर जगह मौजूद है, बड़ा बड़ा को चूज कर लें, दैट इज द सेफ। और दूसरा तरीका था कि नंबर अगर बड़े बड़े हैं तो फैक्टराइजेशन अच्छा नहीं लगता, किसको कितना टाइम्स करके किससे लेस कर दें, जैसे 403 को डबल कीजिए तो 806, इसको डबल कीजिए तो 806 और लेस कर दीजिए तो 62 आएगा, आएगा ना, नहीं समझे? 403 को डबल कर दिए 806 और 744 तो कितने का डिफरेंस आया, 62 आया कि नहीं, यही वाला यहां लिखने से कंफ्यूजन होगा। देखिए समझ में आ रहा है, 62 किसको बोलते हैं, 2 × 31 को बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हमारा जो SCF होगा वो इस डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, डिफरेंस को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है कि ये नंबर इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी है कि इसमें वैसे कोई फैक्टर नहीं हो सकते जो यहां मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि यहां पर 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 31 मौजूद है, तो इन तीन के अलावा कोई चौथा यहां नहीं आ सकता, और इन तीन में भी वही आएंगे जो हर जगह मौजूद होंगे। 1 की तो बात छोड़िए, वो तो मौजूद होता ही है, 2 का जहां तक सवाल है, 2 तो 2 यहां मौजूद नहीं है इसलिए आने का सवाल नहीं है। 31 से डिवाइड कीजिए, 31 देखिए, 31 93, यस 31, 62 देखिए इसको भी डिवाइड करता है, 31 यस, 93 देखिए इसको भी डिवाइड करता है, सो 31 इज द आंसर। 31 डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मतलब इनको डिवाइड करता है, लेकिन गिवन नंबर्स तो ये हैं जो 7 मोर हैं, समझ में आया। 31 से इन सब को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचता है, लेकिन 31 से इन सब को डिवाइड करने पर पूरी पूरी तरह वो काट देता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, सो 31 इज द आंसर। समझ गए, ये दोनों टाइप 1 थे, इसका आंसर हुआ 31। अब मैं बात करता हूं टाइप 2 की। तो टाइप 2 की बात करने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करना चाहता हूं, वो आप पहले सुन ले। देखिए मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, एक है 68 और दूसरा है 42, समझ गए, 68 एंड 42 की मैं बात कर रहा हूं, या फिर इसे और भी चेंज कर देता हूं, 41 लिख देता हूं, 2 रिमाइंडर लिखता हूं, तो 67 इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखिए, एक नंबर है 13, वो 13 से जब हम लोग 67 को डिवाइड करते हैं तो काट नहीं पाता, क्या, तो 2 रिमाइंडर बच जाता है, ओके। और 13 से जब हम लोग 41 को डिवाइड करते हैं तो काट नहीं पाता, क्या, तो 2 रिमाइंडर बच जाता है। एक एग्जांपल देखिए, तो मेरा कहना है 13 13 13 13 5 तो कट ही जा रहा था, 13 5 65, ये 2 ही आपने गड़बड़ किया ना, तो 2 हटा देते हैं, 65 बचेगा, अब तो काटेगा, इससे डिवाइड करते हैं 2 बचता है, ठीक है, 2 हटा देते हैं, 39 बचेगा, अब तो काटेगा, और इनका हम SCF ले लेंगे तो आंसर होगा, ये आप 1 एंड 2 में देख चुके, यानी किसी नंबर को जैसे 65 जैसे 67 एंड 41 को किसी नंबर से, वो सबसे बड़े नंबर से जिसको निकालना है, डिवाइड करने पर दोनों जगह 2 2 बचते हैं, जैसे 7 7 बचा था, 2 2 रिमाइंडर बचते हैं, तो बताइए वो नंबर क्या है, तो 2 हटा देते हैं, फिर जो बचता है उसको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है और उसका SCF ही आंसर होता है। ये टाइप 1 था, लेकिन ये सब तो तब ना जब रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर नहीं दिया है फिर क्या होगा,
दे आर ऑल अलाइक, यस। जैसे ये हम न बताएं कि ये क्या है, बता दीजिएगा तब तो ठीक है, लेकिन 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 ये सेम है, ये मालूम है, सेम है। तो अगर हम इस नंबर को घटाएं, ये सेम हाइट पर है, हाइट पर है, हाइट पर है, तो आप मुझे बताइए इस बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, तो ये टुकड़ा बचेगा कि नहीं। और ये टुकड़ा 26 है जिसको 13 डिवाइड करता है। ये 26 क्या है? ये 26 67 और 41 का डिफरेंस है। चूंकि रिमाइंडर सेम है, जैसे रिमाइंडर अगर 3 हो जाएगा तो 41 है, अगर तो यहां पर रिमाइंडर तो यहां 42 आ जाएगा ना, तो 42 यहां लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा ना 39, 3 ऊपर करना पड़ेगा, 2 इसको बोलते तो 3 ऊपर, तो ये मैच नहीं करेगा। रिमाइंडर को सेम होना चाहिए, रिमाइंडर सेम होगा तो ये पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, और ये 26 को 13 अवश्य काटेगा, और यही थ्योरम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई नंबर जैसे 13 कि नहीं, दो नंबर को जैसे कि मान लीजिए 67 41 को डिवाइड करे, वो सबसे बड़ा नंबर हो, डिवाइड करे, अगर रिमाइंडर सेम बचे तो एक में दूसरे को लेस कर देंगे, तो जो बचेगा डिफरेंस उसको वो अवश्य काटेगा, अवश्य काटेगा, जैसे 26 को अवश्य काटेगा। ऐसा कब होगा? जब रिमाइंडर सेम हो। ये बात समझ में आ गई? कुछ ऐसा भी समझ लीजिए कि 67 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 5 + 2 या k जो भी है, और इसे हम 41 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 3 + k। और मुझे बताइए कि जब जब इसको तो 13 नहीं कैंसिल कर रहा, लेकिन जब इसे लेस करते हैं तो क्या आता है, 13 × 5 और 3 का डिफरेंस 2, और ये k कट जाता है, ये आता है कि नहीं, ये k कैंसिल होता है कि नहीं। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, ग्राफिकली अलजेब्रिकली दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा और यहां क्या दिया है, सुनिए। क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज सच दैट व्हेन 76 151 एंड 226 आर डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर्स आर ऑल अलाइक, फाइंड आल्सो द कॉमन रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 76, क्या दिया हुआ है 151, क्या दिया हुआ है 226। वो नंबर निकालिए, वो नंबर निकालिए, वो नंबर निकालिए, जिससे इन सबको डिवाइड करने पर ये उसको काट देता है, बोले तो एचसीएफ होता, काटता नहीं है, वन बचता है कहे तो वन हटा देते, टाइप वन होता, हम लोग निकाल देते उसका एचसीएफ, नहीं 1 2 3 बचता है तो वन हटाते, 2 हटाते, 3 हटाते, जो बचता उसको ये काटेगा, और वो सबसे बड़ा नंबर है तो एचसीएफ निकालते। ठीक ठीक ठीक, टाइप वन से टाइप वन अलग कहां होता है, उस जगह को देखना जरूरी है। हाँ, तो इससे डिवाइड करते हैं तो काटता नहीं है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, नहीं बताएंगे, बट दे आर ऑल अलाइक, ओके। इससे डिवाइड करते हैं तो दोनों को, तीनों को, किसी को भी करेंगे तो सेम रिमाइंडर बचता है, यानी किसी को किसी में लेस करेंगे तो उसको काट देगा, क्योंकि रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर एक समान है। कितने पेयर्स पॉसिबल है, 151 एंड 76 इसके डिफरेंस को भी काटेगा, 226 एंड 151 इस डिफरेंस को भी काटेगा, एंड 226 एंड 76 इसके डिफरेंस को भी काटेगा। इनको तो कैंसिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही डिफरेंस लेते हैं तो रिमाइंडर होने की वजह से ये कैंसिल नहीं हो रहे थे, रिमाइंडर्स ही कैंसिल हो जाते हैं, तो जो बचता है, बचता है, बचता है, तो जो बचता है उसे वो अवश्य काटेगा, उसे वो अवश्य काटेगा। This is the greatest number that divides 75, 75 and 150. Exactly, the greatest number is division is 75, which is answer. तो ये जो डिवीजर हुआ, SCF हुआ, ये जो SCF हुआ, SCF कहने का मतलब यहाँ पर डिवीजर हुआ, वो क्या हुआ, 75 answer. उसके बाद ये भी था कि find also the common remainder. देखिए common remainder. Find also the common remainder. तो किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए, 75 से 76 को डिवाइड कीजिए, वन आंसर, इसको कीजिए, इसको कीजिए, हर जगह तो रिमाइंडर सेम है, किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आई? ये हमारा एचसीएफ था, और एक तरह से एचसीएफ का जो कंसेप्ट है वो हो चुका,
अब अगले क्लास में हम लोग एलसीएम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में और ढेर सारे क्वेश्चन जो आते रहते हैं हम उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।